मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने आपको सर्कल यानी गोले की त्रिज्या ज्ञात करना और व्यास यानी डायमीटर ज्ञात करना बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि इसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस कैसे ज्ञात करते हैं। यानी कि ये परिधि, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि आपको परिधि भी ज्ञात करनी होती है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए त्रिज्या यानी रेडियस, उसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं आर। व्यास यानी डायमीटर, इसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं डी। और परिधि यानी सर्कमफेरेंस को छोटे रूप में कैसे लिखते हैं सी। इसको ज्ञात करने का यानी परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है सी बराबर दो, वैसे कहते हैं पाई, और ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या, तो क्या है टू पाई आर, ये इसका सूत्र होता है। पाई का मतलब होता है 22/7। तो एक वृत्त की त्रिज्या अगर हमारे पास दे रखी हो तो उसका सूत्र ज्ञात करने का क्या होगा परिधि का, हमारा परिधि बराबर यानी सी बराबर 2πr। आर क्या है त्रिज्या। बच्चों, जैसे इसमें कोई आपको निशान नहीं दे रखा है, इसका मतलब है दो को पाई से गुणा करना है, पाई को आर यानी त्रिज्या से गुणा करना है, यानी तीनों ये आपस में गुणा होंगे तभी हमारा प्रश्न हल होगा। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न दे रखा है मैंने आपको कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलते हैं रेडियस, उसको छोटे रूप में कैसे लिखते हैं आर, तो हमारी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि यानी सी पता करना है कि कितनी होगी। तो उसका सूत्र क्या बताया मैंने आपको सी यानी परिधि बराबर 2πr। तो त्रिज्या हम आर हमको दे रखी है, तो त्रिज्या आर यानी रेडियस हमें पता है तो 14 सेंटीमीटर, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7। तो परिधि ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा कि दो हमारे सूत्र में यू क्यू उतार लिया हमने, गुणा पाई यानी 22/7, और आर कितनी हमारी त्रिज्या कितनी है 14, तो गुणा करके 14 लिखेंगे। फिर हम इसे कैसे हल करेंगे, जैसे नीचे 7 है, 7 × 7, और ये कितनी बार कटा हमारा 7 × 14 2 बार, तो हमारी यहाँ तो 1 आया ऊपर 2 आया, तो हमारे पास कितनी बच गई, ऊपर से क्या बच गई हमारे पास में, तो हम लिखेंगे 2 × 22 × 2। तो इन तीनों को हम एक दूसरे से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर यानी परिधि हमारा कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। और आपको मैंने इसी प्रश्न को हल करने के हिसाब से मैंने आपको दो प्रश्न और दिए हैं, जैसे कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो, तो आपको ऐसे ही सूत्र लगाकर ऐसे प्रश्न हल करके करना है। ऐसे दूसरा प्रश्न है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो, इसमें भी आपको परिधि यानी सी ज्ञात करना है आपको। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया है समझ में आया होगा, और आप मुझे